सब ठीक होंगे। आज मैं इस वीडियो में लौकी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। लौकी को मैंने गोल शेप में कट किया हुआ है, तो आज मैं इसको कश्मीरी स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, जिसको कश्मीरी में अलियखनी कहते हैं। तो जो कश्मीरी लोग होंगे उनको तो सबको ही आता है ये बनाना। तो आज आप जिनको नहीं ये रेसिपी के बारे में पता है तो आप इसको ट्राई कर सकते, बहुत टेस्टी होते हैं, चावल के साथ बहुत ही मज़ा आ जाता है इसमें। तो लेट्स सी कैसे बनाते हैं। पहले मैंने इसको इस शेप में काटा है, आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हो, बट हमारा ज़्यादा फेमस कश्मीरी में इस स्टाइल में काटते हैं इसको। तो इसमें कौन कौन से इन्ग्रीडियंट्स यूज हो जाते हैं, फर्स्ट इसमें ज़ीरा हम ऐड करेंगे, तो और इसमें सौंफ ऐड करेंगे, इलायची ऑप्शनल है, और तेजपत्ता और कस्तूरी मेथी ये भी ऑप्शनल है। तो और मेन इसमें मेन इंग्रेडिएंट जो है वो दही है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे बनता है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, और चावल के साथ बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जब तक ये फ्राई होता है जो ये दही है, दही में ही हम कुछ इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, जैसे कि सौंफ ऐड करेंगे, ज़ीरा ऐड करेंगे, इलायची भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन हम इस टाइम ही ऐड करेंगे इसमें। इस दही में हम थोड़ा सा वाटर ऐड करेंगे और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने से पहले हम ये सब चीज़ें इसमें डाल देंगे। ज़ीरा मैं ऐड करूँगी, ये इलायची भी ऐड कर दूँगी, ठीक है। क्या करेंगे, मैंने तेल ही गरम करके रखा है, फर्स्ट हमें क्या करना है, इनको फ्राई करना है। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, इसको फ्राई आपको अच्छे से करना है। तो इसको हम फ्राई करेंगे अच्छे से। तो आप ऐसे भी मतलब कि कम तेल में भी ये बना सकते हो, बट ओकेजनली जब कुछ ओकेजन होता है, जैसे हम बर्थडे, कश्मीर लोग बर्थडे पे बनाते हैं या शादियों में होता है, तो हम क्या मतलब अच्छे से फ्राई करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ जो डीप फ्राई वाला है। तो आप ऐसे भी नॉर्मल थोड़ा सा तेल ले सकते हो, लौकी डाल सकते हो, और थोड़ा उसको ढक्कन रखोगे, मीडियम पे रखोगे, तो जब तक वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है वैसे भी बना सकते हो, बट आज मैंने इसको अच्छे से फ्राई किया है, ठीक है। तो ये फ्राई कर दी है मैंने लौकी। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल, वैसे इसमें बहुत सारा ऑयल होता है, ऐसा हम मतलब मैं डेली रूटीन के लिए बना रही हूँ, ओकेजनली नहीं बना रही हूँ, तो इसलिए हम थोड़ा सा ऑयल हल्का, क्योंकि इसमें बहुत ऑयल गया है ऑलरेडी, तो थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। उसमें मैं थोड़ा तेज पत्ता डाल देती हूँ। तो और फिर जो हमने ये दही बनाया है, जिसमें हमने थोड़ा पानी ऐड किया था, सौंफ ऐड किया था, इलायची ऐड की थी, और ज़ीरा ऐड किया था, आप बहुत सारे गरम मसाले भी ऐड कर सकते हो आप, अगर कुछ ओकेजनली आप बना रहे हो। तो ये डेली रूटीन लंच चल रहा है, तो इसलिए मैं इतना ही इसमें बना रही हूँ। तो इसमें मैं इसको ऐड करूँगी, ये मैंने ऐड किया है, तो बट आप इसको हिलाते रहे ताकि ये दही फट ना जाए। हिलाते रहना। अब मैं इसमें ये फ्राई हुई लौकी ऐड कर देती हूँ। तो मैंने ये ऐड कर दिया आराम से, धीरे धीरे। अब इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ा नमक ऐड करेंगे, थोड़ा क्या मतलब अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, जितना सब्जी में जाता है।
इसमें मैंने नमक ऐड किया, तो इसको अच्छे से मिक्स करें। इसको आप पानी और ऐड कर सकते हैं ताकि ये अच्छे से इसमें मसाला अंदर जाएगा। अब थोड़ा हम इसको अच्छे से कुक होने देते हैं, इसको मीडियम फ्लेम पे रखते हैं, ऊपर ढक्कन रखेंगे। ये हमारी सब्जी तैयार हो चुकी है, तो आप इसमें ये पतली करी भी रख सकते हो, थोड़ा मोटा भी रख सकते हो। ओके, मतलब जब कुछ फंक्शंस होते तब हम थोड़ा थोड़ा इसमें जो ये करी है मोटी रख देते, बट ये नॉर्मल है तो इसलिए हम लोग थोड़ा करी अच्छे से खाते। इसमें बहुत टेस्ट होता है क्योंकि दही डाला हुआ है, तो इतना करी रख लेते हैं। तो ये हमारी लौकी की सब्जी, मतलब कश्मीरी में इसको अलियखिन कहते हैं, तो ये रेडी हो गई है। तो ये रेडी हो चुकी है, तो ऊपर से मैंने इसमें थोड़ा कस्तूरी मेथी ऐड की है। हम लोग नॉर्मली जब बनाते तब कस्तूरी मेथी ऐड नहीं करते, तो फ्लेवर के लिए थोड़ा मैंने ऐड किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए बाय बाय।